आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप ये वीडियो को सुन रहे हैं और अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि या तो इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं या इंश्योरेंस कंपनी में सीनियर पोजीशन पर हैं या इंश्योरेंस कंपनी में सीईओ हैं So, मेरा आपको ये अश्योरेंस है कि अगर आपने उनके साथ हमारे इस YouTube चैनल के लिंक को शेयर किया तो ये वीडियो या ये चैनल उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि मेरा आपको ये अश्योरेंस है कि जो हजारों रुपया देकर इंस्टीट्यूट्स या दूसरे कोचिंग सेंटर्स आपको इंश्योरेंस सेक्टर की नॉलेज देते हैं वो आपको यहाँ पर विदाउट एनी फीस और इतना यूजफुल डेटा इंश्योरेंस कंपनीज से रिलेटेड आपको मिलेगा जो आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा और साथ ही साथ जो लोग भी इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको मेरा यह सजेशन है कि वो डेली मेरे द्वारा पोस्ट किया गया एक वीडियो डेली देखें मेरा ये है उनको कि आपकी नॉलेज इतनी इंप्रूव हो जाएगी इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर कि आपको कहीं किसी और यूट्यूब चैनल को सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सो so, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इंफिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टोटल प्रीमियम कलेक्शन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर तीन पार्ट में डिवाइडेड है लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लाइफ इंश्योरेंस में आते हैं वो हो वो होते हैं टर्म प्लांस सेविंग प्लान्स रिटायरमेंट प्लान और इनके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं चाहे वो मोटर इंश्योरेंस हुआ चाहे वो कमर्शियल इंश्योरेंस हुआ चाहे वो फायर इंश्योरेंस हुआ चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हुआ वो सारा पार्ट होते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का सो so फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की जो टॉप 15 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने अभी तक यानी कि 21-22 तक यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 तक टोटल कितना प्रीमियम कलेक्शन किया है और उनका टोटल परसेंटेज ऑफ मार्केट कितना है तो ये जो फिगर्स की हम बात करेंगे ये करोड़ में है और हम बात कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की सो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है न्यू इंडिया कंपनी लिमिटेड इन्होंने जो 21 बाईस तक टोटल प्रीमियम कलेक्शन किया है वो है इकतीस करोड़ का और इनका जो टोटल मार्केट शेयर है वो है फिफ्टीन का सेकेंड पोजीशन पर आती है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और इनका जो टोटल प्रीमियम कलेक्शन है 2021-22 तक का वो है 16704 करोड़ का और इनका जो मार्केट शेयर है वो है 8.27 परसेंट का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनका जो टोटल प्रीमियम कलेक्शन है वो है 14,185 करोड़ का और जो मार्केट शेयर है वो है 7.02 परसेंट का देन बात करते हैं आईसीआईसीआई लॉम्बार जनरल इंश्योरेंस कंपनी की इनका जो टोटल प्रीमियम कलेक्शन है वो है चौदह हजार करोड़ का और जो मार्केट शेयर है वो है सिक्स पॉइंट नाइन थ्री परसेंट का देन बात करते हैं एक और पीएसयू कंपनी की वो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनका जो मार्केट शेयर है वो है बारह हजार सात सौ सैतालीस करोड़ का टोटल प्रीमियम कलेक्शन है और जो मार्केट शेयर है वो है सिक्स का देन हम बात करते हैं बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की इनका जो प्रीमियम कलेक्शन है वो है बारह हजार पांच सौ उनहत्तर करोड़ रुपए का और जो मार्केट शेयर है वो है सिक्स पॉइंट टू टू परसेंट का देन हम बात करते हैं एच डी एफ सी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की इनका जो मार्क इनका जो प्रीमियम कलेक्शन है वो है बारह हजार दो सौ पिचानवे करोड़ का और जो मार्केट शेयर है वो है सिक्स पॉइंट जीरो एट परसेंट का और एच डी एफ सी अर्गो का जो प्रीमियम कलेक्शन यहां पर बड़ा हुआ इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि इन्होंने अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस का मर्जर अपने साथ किया था देन हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की और इनका जो टोटल प्रीमियम कलेक्शन है वो है बारह हजार बावन करोड़ का और जो मार्केट शेयर है वो है फाइव पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट का स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू में कंपनी की फाउंडेशन हुई थी और कंपनी का आईपीओ भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इनका जो प्रीमियम कलेक्शन है 21-22 तक का वो है नौ करोड़ का और जो मार्केट शेयर है वो है 4.64% परसेंट का इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रीमियम कलेक्शन चौरासी करोड़ का मार्केट शेयर है 4.16% परसेंट का रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रीमियम कलेक्शन 2021-22 तक का है 8310 करोड़ का और जो मार्केट शेयर है वो है 4.11 परसेंट का एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 8264 करोड़ का प्रीमियम कलेक्शन है और मार्केट शेयर है 4.09 परसेंट का टाटा ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आठ करोड़ का टोटल प्रीमियम कलेक्शन है मार्केट शेयर तकरीबन चार परसेंट का है देन बारी आती है पोजीशन पर चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी चार हजार तीन सौ अट्ठासी करोड़ का प्रीमियम कलेक्शन है और मार्केट शेयर है टू पॉइंट वन सेवन परसेंट का देन फिफ्टींथ पोजीशन पर है फ्यूचर जनरली जनरल इंश्योरेंस कंपनी अड़तीस करोड़ का प्रीमियम कलेक्शन है और जो मार्केट शेयर है वो है का। फ्रेंड्स so आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ टॉप फिफ्टीन जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका 2021 और 2022 तक का जो टोटल प्रीमियम कलेक्शन था वो आप लोगों के साथ शेयर किया इस वीडियो का पर्पस या मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि कौन सी जिसने प्रीमियम ज्यादा कलेक्शन किया है वो कंपनी ज्यादा अच्छी है ऐसा बिल्कुल हम नहीं मान सकते क्योंकि हमारा सजेशन हमेशा ये होता है कि कंपनीज सभी अच्छी है बट आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी कंपनी फुलफिल कर पा रही है आपके लिए वो कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी है सो आई एम श्योर फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव और एजेंट्स फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स uh, अगर आप लाइफ जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सो फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू